बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटी दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर। नमस्कार, संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय का टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके अगली रात कार्यक्रम आप हरेक सोम के ऐसे हरेक मंगल के और हरेक बुध के ठीक इतने समय से आप देख सकल जबते ऐसे हमारे कार्यक्रम में रह के हमने की समाज में रहल विकृति हटाए के तमाने हमारे कोशिश कल जत और इतने भरना हो के हमन के संस्कृति के बारे में चर्चा कल जत और हमन के संस्कृति में कौन कौन चीज बेकार बा हमारे ओके निकार के असल सभी समाज निर्माण के खातिर का करे परी और इतने भरना हो के हमन के कितना जने धर्म के नाव में पाप कमात बैठे हैं और हमारे ऐसे नहीं जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जाते हर एक जगह में देखा जाते और धर्म कमाए के नाम में पाप होते रहते वैसे हमारे कितना जगह देखा जाते कि तमाने जो व्यक्ति बाँचे हैं भगवान की टीका लगा के पियर वस्त्र पहर के यानी कि साधु महात्मा के भेष दे के तमाने बेकार काम कर बाँटे हैं जिके से हमन के समाज असल होत छोड़ के और गंदा और जात बा उसे हमन के कितना जगह देखा जात बा कितना जो नेता लोगन बाटी भाषण छाण दे बाटी कि हमारे असल सभ्य समाज निर्माण करे परी हमन के अपन देश बढ़िया बनाए परी बकिन का पीछे लौट के देखा जा ते कहन के जो बेटा बेटी बाटी कितना विदेश पढ़ बाटी और हमन के देश नेपाल जैसे कि तैसे बा और इतने बरना हो कि हमारे कितना साधु महात्मा देखा जी कितना पुजारी देखा जी कि एक धर्म कमाए के हिसाब से कितना पाप होत रहते जगह में धूमधाम के साथ मनात बाटी और हमरे भर के देखा जात बा हारू कर्णपाल सभा जिन्हें मैंने नगर समिति कार्यक्रम की हलवा। नमस्कार, मेरा नाम गुल बहादुर थारू सेना मैना थारू कल्याणकारी नगर सभापति। ये होली हमारे कार्यक्रम सेना मैना के होली कार्यक्रम कैल गई है। ये हम के पुरान संस्कृति ही जाग जाए पूरा सेना महीना हमारे 36-37 गाँव बा जे सकी पैसा चावल दाल मनो ये आलू जितना भी मिली इला हमारे का काला हमारे के ये चाहिए 75 के 22-23 गते राष्ट्रीय थारू साहित्य सम्मेलन बा वहाँ में हमारे खर्चा कर जाए। नमस्कार, हम रामबलि चौधरी वर्तमान थारू कल्याणकारी सभा के केंद्रीय पार्षद पूर्व जिला सभापति। सबसे पहले हम संपूर्ण थारू समुदाय और देशवासियों के हम शुभकामना दे चाहते फगुआ होली रंग और उमंग के त्यौहार भाईचारा के त्यौहार सद्भाव के त्यौहार ई उपलक्ष्य में हम संपूर्ण देशवासिन के कोनो जात जाति न छुटा के सबके हम शुभकामना दे चाहब अपन तरफ से और थारू कल्याणकारिणी सभा के तरफ से। तो हमन के खास कह के थारू कल्याणकारिणी सभा ढेर से ढेर परिवर्तन ले आने खोजता थारू समुदाय में जो विकृति विसंगति बा एक सुधार के एक परिवर्तन करे बा हमन समाज के। तो इहे संदर्भ में हमन के फिर अपन हमन के जो संस्कृति परंपरा बा एक हमन के बचाए के भी बा तो बचाए के खातिर भी हमरे कहे से कि कुछ वर्षा एहर हमन के पुरान पुरान जो ढोलक बजोइया मनरा बजोइया जो रहा वो सबके मृत्यु हो गए ओकरे बाद में अब नया नया हमरे सृजना कराए पड़ी और कुछ कुछ बचल बाटा थोड़ बहुत वे साथ लेके हमरे आज ढोलक बजा के फगुआ गया था। तो इस संदर्भ में हमन के कहा कि खिचड़ी महोत्सव हमरे बहुत भव्य तरीका से सेना महीना के आयोजन में मनाएल गई और जिला भर में
देश भर में थारू समुदाय मनैलक और सैना महीना में विशेष करके तीन दिन कार्यक्रम हमरे मना चुकल गई वो आप लोग सब लोग देखल गई हुई निश्चित रूप से ये टेलीविजन के माध्यम से तो आज ये भगुआ के भी जन परंपरागत हमन के गीत गा के ढोलक बजा के महिला लोग भी साथ साथ बाटा आज हमरे एक शुरुआत कैल गई तो हमन के उद्देश्य का हो कि हमन के एक तो राष्ट्रीय थारू साहित्यिक सम्मेलन ये सैना महीना में हो जाता तो थारू कल्याणकारी के एमे व्यवस्थापन के जिम्मा अल के नाते हमन के ओमे खर्चा भी जुटाए पड़ी और खर्चा के लिए हमरे एक दर्जा के हमरे नाई सकल जी उठाए वही समय हमन के छोट बा वही खातिर हमरे सामूहिक रूप में एक जगह गाँव में जाके एकर जो हमें खर्चा व्यवस्थापन करे के लिए खर्चा जो लागी वो खर्चा हमरे जुटाए जाता वही खर्चा कर जी हमरे को भोज भतेर पिकनिक खाए के मारे हमरे नाई उठाई जाती तो ये हम जानकारी कराए कर लो। सबसे पहले हम संपूर्ण थारू समुदाय और देशवासियों के हम शुभकामना दे चाहते कि फगुआ होली रंग और उमंग के त्यौहार भाईचारा के त्यौहार सद्भाव के त्यौहार ये उपलक्ष्य में हम संपूर्ण देशवासियों के कोनो जात जाति न छुटा के सबके हम शुभकामना दे चाहब अपन तरफ से और थारू कल्याणकारिणी सभा के तरफ से खास करके थारू कल्याणकारिणी सभा ढेर से ढेर परिवर्तन ले आने को जाता थारू समुदाय में जो विकृति विसंगति बा एक सुधार के एक परिवर्तन करे बा हमन समाज के तो यह संदर्भ में हमन के फिर अपन हमन के जो संस्कृति परंपरा बा एक हमन के बचाए के भी बा तो ये बचाए के खातिर भी हमरे कहे से कि कुछ वर्षा एहर हमन के पुरान जो ढोलक बजोइया मनरा बजोइया जो रहा उ सबके मृत्यु हो गए ओकरे बाद में अब नया हमरे सृजना कराए पड़ी और कुछ बचल बाटा थोड़ बहुत वह साथ लेके हमरे आज ढोलक बजा के फगुआ गाया जाता खिचड़ी महोत्सव हमरे बहुत भव्य तरीका से सैना महीना के आयोजन में मनाएल गई और जिला भर में देश भर में थारू समुदाय मनैल और सैना महीना में विशेष करके तीन दिन कार्यक्रम हमरे मना चुकल गई वो आप लोग सब लोग देखल गई हुई निश्चित रूप से ये टेलीविजन के माध्यम से तो आज ये फगुआ के भी जन परंपरागत हमन के गीत गा के ढोलक बजा के महिला लोग भी साथ साथ बाटा आज हमरे एक शुरुआत कर गई तो हमन के उद्देश्य का हो कि हमन के एक तो राष्ट्रीय थारू साहित्यिक सम्मेलन ये सैना महीना में हो जाता तो थारू कल्याणकारी के एमे व्यवस्थापन के जिम्मा अल के नाते हमन के ओमे खर्चा भी जुटाए पड़ी और खर्चा के लिए हमरे एक दर्जा के हमरे नाई सकल जी उठाए वही समय हमन के छोट बा वही खातिर हमरे सामूहिक रूप में एक जगह गाँव में जाके एकर खर्चा जो लागी
उ खर्चा हमरे जुटाए जाता वही खर्चा कर जी हमरे कोनो भोज भतेर पिकनिक खाए के मारे हमरे नहीं उठाई जाती तो ये हम जानकारी कराए कर लो। नमस्कार, हमारा नाम सुजनी थारू, सना मना थारू का कागारे सदस्य होली। आज हम की हमने ये माघी मेला तीन दिन के सम्पन्न हो गए हमारे एकदम भव्य साथ मनाएल गई हमारे ओने में एकदम दावे साथ तभी कहल गई कि हमारे सब जगह से फरक कल गए और एक नंबर में आएल गई दादी है हमारे के अगर हम होली मनाएल जाती हमारे यो होली हमारे आप जगह से फरक किसी से मनाएल जाती हमारे यहाँ हमारे ये होली जो फरक किसी से मनाएल जाती हमारे एकदम दावी साथ कहल गई कि हमारे मना के दम हम थार यहाँ राष्ट्रीय थार सम्मेलन दम बा हम मन के दम हम मन के दम हम चाहा था कि जो ने 22-23 होते तो हमने ओकरे लागी कहीं होली कैसे अपन संस्कृति बताएं जा कैसे हमने आगे बढ़ल जा अपन जो ने संस्कृति बताए ना हम मन के इशाना मना नगर पालिका दम में हमारे घर का कल्याण से हमारे आयोजना कर लेते हमने कि अपन मजा कार्यक्रम कल गए हम कि पुरखौली खो जब हम के होली के गजिया गुलगुला पाकत रहे जब हम के फगुई खोजल जाली हमारे अपन देवतन के एकदम मानल जाली हमारे फगुआ रूप में हमारे वो संस्कृति बचाक लागी हमारे जब गांव गांव में हम थार उठी हेरा जात रहे वो हमारे एकदम बचाक लागी पानी एकदम भव्य साथ मनाल जाती हमने कितना जगह देखा जात बा कि कितना जगह रोड़ा फेरत बाटे और कितना जगह तो मेन रोड में लड़का से लेके बड़ी मणि तक लसन तान के पैसे मांगे के सामान बैठी बाटी संस्कृति बचा के आवश्यक बा बदिन का ही चार पर के नाम में एक विकृति भी फैलत बा तमाने जगह में लस्सी दान के पैसा मांगी भी चलन बा एक हमें हटाई करी और हमने के कि स्वभाव के यानी कि रंग के होली हो हमने वर्ष दिन के थ्रू चार पर एक धूमधाम के साथ मनाई करी हमने विकृति फैलाना चाहिए उसी तमाने जगह में कार्यक्रम मनाल बाटी और हमने एक दुर्घटना कही थी एक सदभाव की होली भैली से सदभाव के कार्यक्रम भैली से हमने धूमधाम के साथ मनाई कोशिश कर जा कि उसने संपन्न हो बा संगम थारी व क्लब जोन की कृष्णा नगर पालिका दस शिविर में अवस्थित बा और यहाँ के महिला पुरुष मिल के ये पर्व मनाए खातिर महिला और पुरुष जुड़ल बाटी हंडी फोर कार्यक्रम और नसरी तान कार्यक्रम विद्या कार्यक्रम में सहभागी बाटी ये कुल कार्यक्रम के लिए हम की संस्कृति बच सके और मन के समाज के विकृति हट के असुर से समाज के निर्माण हो सके। ऊपर लगाए कृष्णा नगर पालिका दस में आप बोलवाजी चंदन चौधरी जी हो कार्यक्रम में आई संपूर्ण दीदी बहनी और भाई मातारी भौजी लोगन के हम अपर संगम सहारा युवा क्लब के तरफ से और अपन व्यक्तिगत तरफ से हम अपन भित्री मन के तरफ से हम स्वागत करना चाहत थी। होली मौसम 2075 अंडी फोर पर है कि नहीं लगभग हमर के फोड़ती है Oh!
में हम रूम जरूर जाए नहीं कह के, तो महिला दीदी बहन लोग तैयार होते बैठे हंडी फोर कार्यक्रम। हम किसी से कम नहीं। धन्यवाद चंदा चौधरी। लक्ष्मी बहनी अधिकार बहुत जोरदार। अंतिम में ला धन्यवाद लागत बहनी आवत बाटे हमन के। बंद कर बंद कर बंद कर। बड़े निक निक लौका से हम लगा देते हैं। फेल हो गई तू अब। ऊ काउंट जानिए दादा कार्यक्रम के लिए हमन के समाज के विकृति हट सके और असल से भी समाज के निर्माण हो सके हमन के सद्भाव बढ़ते जाए। अशोक
ऐसे ही रूप से हमरे हर एक जगह में कार्यक्रम करते रह जा असल सभी समाज निर्माण के खातिर हमरे का कार्य परिते सबसे पहले हमरे युवा लोगन लागल जा और जुटल जा ना कि दूसरे के लाले में लग के हमरे ओशन अनुसार के काम करते जा ते हमन के युवा लोगन ए धरती में जन्म लेके भी बेकार बा एक नाते हमन के कौन भी धर्म मानल जा बकिन का उ धर्म दूसरे देखा सके से ना हमन के समाज उ धर्म के अपनैले से ना होके कि सबसे पहले ओमा कौन कौन विकृति बा वो विकृति के हमरे पहचान कर जा और यदि कौन भी विकृति होते हमरे हटाए कोशिश कर जा और कौन बढ़िया पक्ष होए तो हमरे ओके अनुसरण कर जा तब भर के असल सभी समाज निर्माण हो सके तो ऐसे आप देखल गल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन ये कहते कैमरा पर्सन नारायण उनके बीच धन्यवाद और हम संचालक आपसे भी विदा होती नमस्ते बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटी दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे की न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर